क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको ये कीवी रुपी क्रेडिट कार्ड ऑन UPI डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ साइन अप ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका OTP ले लेगा। फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होंगी, जैसे पैन कार्ड अप्लाई, KYC और ऑल डन, यहाँ सारी चीज़ आ गई है। फिर डन करेंगे और यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे और कंसेंट देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। फिर आपका जो पैन कार्ड पे नाम है वो डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको 250 रुपये का सरप्राइज मिल जाएगा, यानी कि कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे स्वाइप अप करते टाइम और फिर गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे कि आपको अपने कार्ड पे नाम क्या चाहिए, तो आपको जो भी नाम चाहिए आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे और कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप मैरिड हैं या नहीं। फिर यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे, मदर नेम और फादर नेम। फिर यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना अपने रेजिडेंट करंटली लाइव इन चूज़ करेंगे, जैसे कि रेंट पे रहते हैं आपका खुद का घर है वो। फिर यहाँ पर अपना एम्प्लॉय चेक करेंगे। उसके बाद अपना बिजनेस नेम डालेंगे, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस नेम डालेंगे और आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट डू टाइप ऑर्गेनाइज दिस टाइप, प्राइवेट लिमिटेड, सोलो या पार्टनरशिप, तो आप जिस जो भी है वो कर सकते हैं। आप सोलो पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्हाट डू डज योर बिजनेस परमानेंटली डू, तो रिटेल पे क्लिक करके फिर टेलस ऑफिस पिन कोड, अपना ऑफिस का पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस डालेंगे और उसके बाद ईयरली इनकम डालेंगे अपनी कि आप एक साल में कितना कमा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी और फिर यहाँ पर कंसल्ट देंगे, देख लेंगे सारी डिटेल ठीक है। उसके बाद सबमिट विद OTP पे क्लिक कर देंगे। सबमिट विद OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो यहाँ से वेरीफाई करना होगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हो गई है। अब एप्लीकेशन आपकी प्रोसेसिंग में पहुँच गई है, आपकी सारी डिटेल्स चेक करेंगे ये, फिर आपको जो भी अपना निर्णय होगा वो बताएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से मेरा हो चुका है और यहाँ से 2,02,000 रुपये की जो लिमिट है वो भी मिल चुकी है। स्टार्ट वीडियो विद KYC, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, KYC वेरिफिकेशन और स्टार्ट वीडियो KYC, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से कंटिन्यू टू एक्सिस बैंक से क्लिक करेंगे। यहाँ से एक एजेंट आएगा जो वीडियो कॉल पे आपकी KYC को कंप्लीट करेगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपके एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कराएगा। फिर आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी और KYC कंप्लीट करने के लिए आपको 48 आवर्स मिलते हैं। 48 आवर्स के अंदर आप अपनी KYC जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 24 आवर्स के अंदर KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप फिजिकल KYC भी कर सकते हैं, जैसे कि एजेंट आपके यहाँ पे आएगा और आपकी फिजिकल KYC कंप्लीट करके दे देगा आपको। फिर यहाँ से आप स्टार्ट वीडियो KYC कर सकते हैं चाहे तो, वरना आप इसको KYC कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप इसे लॉगिन करेंगे फिर यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और अपना जो UPI है वो लिंक कर लेंगे। फिर यहाँ से आप किसी को भी यहाँ से स्कैन करके भी पैसे पे कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी इस फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।